again. Redskins. आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है BGMI। तो जल्दी से मैं आप लोगों को अपने थोड़े बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ, उसके बाद गेम में जाएंगे। इससे पहले भी मैंने थोड़े बहुत खेल के रखा था, इसलिए मेरे पास ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये मेरा मिथिकल वाला सेट, जो कि मुझे टाइम लिमिटेड मिला था। और ये वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा ही लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि बीच में हम लोग गए थे थोड़ा बहुत घूमने, इसीलिए। तो अभी मैं ओपन करने वाला हूँ एक सप्लाई किट, देखते हैं हम लोगों को सप्लाई किट से क्या मिलेगा। मेरे को एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा है नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो इससे हम लोगों को देखते हैं क्या मिलेगा। अरे यार, ये दोबारा से यही चीज़ मिल गई, ये मुझे 3 बार मिल चुकी है इससे पहले, एकदम ही पोपट हो गया हमारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट करके जल्दी से चलते हैं बैटल में। मैंने सबसे पहले लगाया है अनरैंक गन गेम, तो हमारा स्टार्टिंग तो अनरैंक से होने वाला है, इसके बाद हम लोग रैंक बैटल खेलेंगे। तो अभी होने वाला है गन गेम स्टार्ट 10 सेकंड में, तो तब तक के लिए मैं बस खड़ा ही होने वाला हूँ, या फिर दुश्मनों का थोड़ा बहुत प्लानिंग देख लेते हैं। और हाँ, तुम सब लोगों का शुक्रिया 900 सब्सक्राइबर्स के लिए, नेक्स्ट एम है 1K, तो जल्दी करा देना। तो अभी होने वाला है हमारा बैटल स्टार्ट, यानी हो ही चुका है। तो अभी मैं डायरेक्टली जाके यहीं से किल करने वाला हूँ तगड़े वाले। पहला किल मेरा हो गया, फर्स्ट ब्लड। और मैं इसका आप लोगों को एक साथ ही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि इसको कैसे खेलना है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो अभी हम लोग चलते हैं उनके बेस में घुस के मारेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। ये बंदा मरने वाला है मेरे से। अरे गोलियां ख़त्म हो गई और पीछे से किसी ने मार दिया। हाँ, तो मैं आप लोगों को इस वाले गेम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी गन्स होती है, यानी नोबड़ी गन से अच्छी गन्स मिलती है हमें। सबसे पहले एक बहुत बेकार सी गन होती है, जैसे जैसे हम किल करते जाएंगे वैसे वैसे गन की पावर वगैरह बढ़ती रहेगी। यानी कि अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो इसका मतलब है, हम लोग जैसे जैसे किल्स करेंगे हमारी गन्स अपग्रेड होती रहेंगी, और उसके बाद इसको जीतने के लिए हमें 18 किल्स करने पड़ेंगे। और इधर हर टाइप की गन होती है, जैसे कि छोटी वाली, वो छोटी गन हो जाए, पिस्तौल हो जाए, AKM हो जाए, स्कारेल, सब कुछ होता है, बोल्ट थ्रोअर भी होता है। और आखिर में हम लोगों को मिलता है एक पैन, जिससे कि हमें मारना पड़ता है फाइनल ब्लो। अभी तो मैंने ऐसे ही 2-2 किल्स कर लिए, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक तगड़ा वाला स्ट्रीक लगाऊंगा। 3 का तो लग गया, तो मेरा टारगेट है कम से कम 7 का स्ट्रीक लगाने के लिए। इससे पहले भी मैंने एक बार 9 का स्ट्रीक लगा के रखा है, मेरा हाईएस्ट है, देखते हैं इस बार कितना होगा। 5 का स्ट्रीक लग गया गाइस, अभी और बढ़ाते हैं इसको, 6 का स्ट्रीक। अभी मुझे लगता नहीं कि और ज़्यादा कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कार आ चुकी है और मैं क्लोज रेंज में पता नहीं क्यों ही घुसा जा रहा हूँ, मार तो पाऊँगा नहीं कार से। अरे यार, 6 का स्ट्रीक था, वो भी गया, मेरा कम से कम टारगेट 7 का था, बहुत गंदा गया, बट ठीक ठाक ही था। तो अभी मेरा मेन टारगेट है कि मुझे कार से एक बंदे को मारना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, हार्ड तो नहीं बट क्लोज रेंज में ये बहुत हार्ड होता है। आखिरकार मैंने कार से मार दिया एक बंदे को, अभी मेरे पास ये अम्ब्रेला वाली गन आ चुकी है। तो इसके बाद वैसे ही मेरा मैच चलता रहा, मरता रहा, मैं मारता रहा। सब कुछ होने के बाद मैंने यहाँ पर मारा और एक बंदे को, ये पता नहीं मेरे को क्यों नहीं मार रहा था, बट मैंने उसको मार दिया, मेरे पास बस्ट वाली गन थी। तो उसके बाद हमारा मैच होने वाला था एंड, और सब लोगों का यानी पैन फाइट चालू हो गया था, उनके बंदों का, मेरे भी। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया एक पैन वाले बंदे को मारने के लिए, जो कि यहाँ से भाग रहा था। यहाँ पर यानी पूरी की पूरी स्क्वाड ही हमारे टीम में घुस गई, और यहाँ पर मैच ख़त्म हो गया, हमारे बंदे ने किल कर दिया और हम लोगों को मिल गई विक्ट्री। देखते हैं किसने भाई क्या किया है। वैसे मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट 6 का कॉम्बो यानी हमारे टीम में हाईएस्ट है। और हाँ, आज भी मैं खेल रहा हूँ उसी नुबड़े के साथ, जो कि है वर्ल्ड गेमिंग। मुझे पता है भाई, हर मैच में मैं उसी के साथ खेलता हूँ, बट वो एकदम ही नुबड़ा सा बंदा है, कुछ कर नहीं पाता, सबसे नीचे हर बार का उसका है, सबसे नीचे ही आता है वो। तो अभी मैं खेलने वाला हूँ रैंक मैच, उसके लिए मुझे ऐसे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रोन 1 पे है और मैं अभी पता नहीं गोल्ड भी नहीं पहुँचा, तो मैंने उसको निकाल लिया। अभी हम लोग चलते हैं लीविक खेलने के लिए,
और मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला कलर, और पैरों पे ये पता नहीं क्या ही है, ये बहुत बढ़िया दिखेगा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट ही चलते लिविक के मैच में। तो मैंने अभी स्टार्ट करने के लिए तो लगा दिया है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है बट बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया। तो मैं अभी सब कुछ स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही मैच में चलेंगे। मैंने टाइमर वगैरह भी स्किप कर दिया, अभी बस 2-1 और हम लोग आ गए हैं एरोप्लेन पे। पता नहीं ये किसका इन उबड़ा सा एरोप्लेन है, भाई मेरे पास तो अच्छा वाला ही है, इससे तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग उतरेंगे कहाँ पर? अबे यार इन बंदों ने पहले ही उतरा दिया, मुझे लगता है मरूंगा खतरनाक वाला ही। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इनसे अलग जाने के लिए, भाई इन लोगों ने उतरा दिया मरवाने के लिए। यार मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे उतरना पड़ेगा मुझे लग रहा है, नहीं तो मैं एक अच्छी वाली जगह पे उतरता। भाई इन लोगों ने यानी मरवाने का प्लान बना रखा है, मेरे को अपने साथ ही उतार दिया, मैं अनफॉलो करने का टाइम भी नहीं दिया इन लोगों ने यार। अच्छा कोई ना, अभी हम लोग जहाँ पर उतरे वहीं पे लूटा लूटी कर लेते हैं, लूटने के बाद मैं जाने वाला हूँ बंदों को मारने। और आते ही मेरे को मिल गई AKM, जो कि इस यानी इस गेम में मुझे सबसे पहले हर बार AKM ही मिलती है। तो ये मैं एकदम ही शॉप में आ गया हूँ यार, तो थोड़ा बहुत देख के खेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बंदे यहाँ पर आते। और भाई मुझे यहाँ पर मिल गया चेस्ट P90, सही है, मैं ले लेता हूँ। अपग्रेडर भी है इधर, तो मैं सब कुछ लगा देता हूँ। पहले अपग्रेड करेंगे P90 को और बेकार की चीज़ें फेंक देंगे। मॉकटेल मिली है, उठा लेता हूँ भाई, अपने बंदों के ऊपर ही फेंक के मारूँगा मॉकटेल। यार अगर दिमाग ख़राब करे, पता नहीं कहाँ पर ही उतरा दिया मेरे को। तो उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया लूटा लूटी और मैंने यहाँ पर मार दिया एक बंदे को, और पता नहीं मैं क्यों इतना खुश होकर गाड़ी से कूद गया, सारी हेल्थ मेरी चली गई। तो जल्दी से मैं मेडकिट मार लेता हूँ, नहीं तो मर जाऊँगा भाई। ये बहुत गंदा था, मुझे पता नहीं था कि डैमेज पड़ता है, तो मैं कूद गया डायरेक्ट ही गाड़ी से। तो अभी मैं उस बंदे का ग्रेव ढूंढ रहा था, मिल गया। तो मैं इसको लूटने के लिए उतरा था बट बहुत ज़्यादा ही डैमेज पड़ गया यार। हाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये बेकार सी सड़ी हुई चीज़ें लूटने के लिए मैं पता नहीं क्यों ही इतना रिस्क ले लिया मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, बंदे तो दिख नहीं रहे। और वो अच्छा हुआ भाई मैं आगे नहीं गया, यहीं पर कूद गया, नहीं तो अभी मैं मरने वाला था, मेरा बंदा मर गया। और मैं अभी इसको रिवाइव देने के लिए चला आया, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं रिवाइव देने हमेशा ही चला आता हूँ। और पता नहीं ये लोग क्या ही है, मैं जब भी मरता हूँ कभी कोई आता ही नहीं है। ओ अच्छा अभी मेरे को लगा कि बंदा सामने था। मैं अभी स्मोक ग्रेनेड लेके आ चुका हूँ एक बंदे को रिवाइव करने के लिए, तो मैं इसको पहले फेंक देता हूँ, उसके बाद हम लोग जाके रिवाइव मार देंगे उस बंदे को। जल्दी से चलते हैं भाई, हमारे दो दो बंदे मर गए, पहले तो एक के लिए मैं आया था बट अभी दोनों को ही रिवाइव करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं रिवाइव कर लेता हूँ, मेरी गन्स में गोलियाँ बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत देख देख के खेलना पड़ेगा मुझे भी। तो अभी मैंने कर दिया है रिकॉल, अच्छा ये रिकॉल था, मैंने गलती से रिवाइव बोल दिया। अरे सामने वाले घर पे 5-6 बंदे हैं या फिर पूरा स्क्वाड ही है, मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया। जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा नहीं तो मरूंगा गंदा वाला, घर के आसपास ही है बहुत सारे बंदे। पहले बंदे को तो मैंने मार दिया, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक मॉकटेल मार दूँ, जो भी आएगा ना मरेगा यहीं पर। ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही काम आई, क्योंकि नीचे बंदा आ रहा था मेरे को मारने के लिए, अच्छा हुआ कि मैंने मॉकटेल फेंक दिया। अभी देखना भाई बंदा देखो नीचे रेंग रहा है मॉकटेल खा के, तो उसके बाद मैंने उसको उड़ा दिया। यार अगर ये मैं नहीं करता ना पक्का 100% मैं मरने वाला था यहाँ पर, अच्छा हुआ कि मैंने मॉकटेल फेंक के भाई बच गया। तो अभी मैं थोड़ा बहुत इसको वो कर लेता हूँ, गन वगैरह को रिलोड। यहाँ पर अभी इतने बंदे आ चुके हैं ना, मैं अगर चाहूँ भी तो बच के निकल नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा ही बंदे आ चुके हैं यहाँ पर। मैं अभी मरने वाला हूँ, भाग ले भाई भाग ले, जितना भाग सकता है भाग ले। अरे यार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा किसी को, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। रिकॉलेशन टाइम से ऐसे ख़त्म हो गया, वो बंदा मार रहा है मेरे को कहीं से, तो मैं मर जाऊँगा, रुक जा। ओए मैं सारी हेल्थ खा गया मेरी, जल्दी 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 हील करना पड़ेगा। मैं पहले स्मोक ग्रेनेड फेंक दूँ फिर हील करूँगा आराम से। रिलोड वगैरह सब कुछ ख़त्म करके हील कर ले भाई जल्दी, दरवाज़ा। ओ यार मैं मर गया भाई, बंदा घर में घुस के मार रहा है, क्या करूँ।
अरे पूरी स्क्वाड थी, दो दो बंदे थे वहाँ पर। तो इन नुबड़ों का मैच देखने से तो अच्छा ही है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, एग्जिस्ट मार लूँ। अरे मेरा अभी वो था, मैं अभी रिकॉल हो सकता था, बट नहीं नहीं रिकॉल का टाइम ही ख़त्म हो गया था। तो अभी मेरे को मिला क्या अबे, इतना बड़ा इतना ख़तरनाक मैच खेलने के बाद बस यही, और मैं थर्ड रैंक पे आया हूँ। वाह भाई नाइस है, MVP भी तो बन ही गया। तो ठीक है भाई लोगों, आज की इस वाली छोटी सी वीडियो के लिए बस इतना ही, और देख लो वॉल्ड पता नहीं कैसे ही मेरा बड़ी बन गया। मुझे लगता है मैं इसके साथ ज़्यादा बैटल्स खेलता था इसीलिए ही मेरा बड़ी बन गया। तो कोई ना, आज हम लोगों ने खेला एक गन गेम और एक लिविक का बैटल। तो ठीक है गाइस, आज की इस वाली छोटी सी वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही जल्दी डालने वाला हूँ। अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी आ गया तब भी डाल दूंगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइज़।